पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, भाजपा सरकार बनते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाला, पीएसी घोटाले के बाद सरकार ने गोबर को भी नहीं छोड़ा। वहीं कैंडी क्रश गेम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल आपको गेमिंग ऐप से प्यार क्यों है, ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़े भिलाई के एक जवान ने अपनी शादी में 200 करोड़ खर्च किया, दुबई में सिनेमा के स्टार सहित सबको पेमेंट किया है। एक भक्त सीएम के करीबी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बात समझ में आई है कि भूपेश बघेल को गेमिंग ऐप से बहुत प्यार है। साथ ही कहा कि युवाओं का आपने क्या भविष्य बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है। आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूँ। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है, अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, और यहाँ तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने है? मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहाँ तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूँ पेशे से, पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, अब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लॉ मंत्री तो रहा ही हूँ। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा, तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को चार मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, SC ST के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के हैं, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बिहार में लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी, बेटी मीसा भारती वो लोकसभा में हार गई तो राज्यसभा चली गई, दूसरे बड़े तेज प्रताप ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया बनाया, तो उनको भी एक ट्रॉफी दी गई। मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव तो ताऊ नाराज, बंगाल में ममता जी के भतीजे चढ़े हुए हैं कि भाई आपका बहुत हो गया, अब जगह खाली करो कि मैं आऊंगा, तो यही चलेगा क्या? ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है इतने बेशर्मी से? क्या सरकार का संरक्षण नहीं है? अब मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलूंगा, बहुत संवेदनशील विषय है, कोई कार्रवाई नहीं होती यहां पर। कल भिलाई मंदिर पर हमला हुआ कि नहीं हुआ, शिव पार्वती के मंदिर पर? तो ये क्या ढोंग करते हैं आप कि मैं राम का भक्त हूं?